हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो नीलिट में काफी सारे वैकेंसी निकली हैं, नॉन टेक्निकल टेक्निकल, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं और उसका सिलेबस के बारे में भी नोटिफिकेशन आया, ठीक है। सिलेबस क्या हो सकता है पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो पोस्ट हैं वो दो तरह की, एक तो नॉन टेक्निकल है, ठीक है, और टेक्निकल, जैसे फाइनेंस, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ये सब नॉन टेक आ गई, ठीक है। जो अपने काम की है टेक्निकल, वो अगर पोस्ट देखा जाए, देखो सी एंड डी भी टेक्निकल है, साइंटिस्ट डी, बट इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, 8 साल, 6 साल या 4 साल, ठीक है। एंड जो साइंटिस्ट सी है उसमें एक्सपीरियंस चाहिए 4 साल, 2 साल, अगर यहाँ पे पीएचडी है तो कोई नहीं। तो मेन जो है विदाउट एक्सपीरियंस वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर साइंस, बीई बी टेक, आईटी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें टोटल 24 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व की 16, ओबीसी की 3, एससी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3, ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप की 1। अब इसमें एज लिमिट है 30 और इसका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें लोकेशन वाइज वैकेंसी दी हुई है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। अब इसमें देखो एलिजिबल जो है बी बी टेक वाले हैं, और बी में देखो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर एमसीए हो, या फिर एमसीए मतलब बीएससी के बाद या बीसीए के बाद विद 60% मार्क्स, या फिर ये कुछ डीओई एसी बी लेवल 60%, ठीक है, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो देखो जो एक्सपीरियंस है निल है ए के लिए, मतलब अगर बस बीटेक बीई बीटेक है आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 1 ईयर है बी सी डी के लिए, यानी कि इनके लिए एक्सपीरियंस है ये 1 ईयर का, और 5 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक टेक्निकल असिस्टेंट, और इसमें जो है आपका जो पे स्केल है वो लेवल 6 का है, ठीक है, 35,400। इसके अलावा जो है एक टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी, बीसीए, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जो भी है, ठीक है, तीनों ब्रांचेस। अब इसमें क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज या इंडस्ट्री, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इनको, बीएससी या बीसीए वालों को, डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इसमें भी टोटल वैकेंसी लिखी हुई है एंड लोकेशन वाइज, इसमें भी रिटन टेस्ट होगा एंड एज लिमिट है 27 ईयर्स। इसके अलावा जो टेक्निकल वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, इसमें भी बीएससी, बीसीए, ठीक है, इनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है, निल चाहिए, और अगर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब बीटेक हो या कोई भी डिग्री हो, उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन, बट साथ में नीलिट का ओ लेवल का कुछ सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि रिटन एग्जाम के बारे में, तो फीस 800 रुपये और 600 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, पोस्ट पे डिपेंड करता है, जो लेवल 10 या उससे ऊपर वाली पोस्ट है उसके लिए फीस है 800, जो लेवल 6 एंड बिलो है उसके लिए 600 है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फीस 400 और 300 है। इसके अलावा चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज दे रखा है, ठीक है, ये 25 सिटीज है यहाँ पे आपका सेंटर बन सकता है, और रिटन टेस्ट के में बताया हुआ देखो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और जो आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए होगी 50%, 50% तो आपको चाहिए चाहिए पासिंग, ठीक है, और 45 चाहिए आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल वालों को 50% मिनिमम मार्क्स लाने ही है, ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, इस ठीक है, ये आप ऑनलाइन भर सकते हो, यह सब दिया हुआ, सब चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिंट आउट भेजना पड़ेगा, ठीक है, मोस्टली बहुत कम होता है कि आपको कहीं कुछ पोस्ट करना पड़े, इन्होंने लिखा हुआ है देखो प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लाइक कोई भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है,
रिक्वायर्ड टू सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट इन द एनवेल्प पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड एड्रेस टू द यहाँ इस एड्रेस पे भेजें रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी नीलिट भवन प्लॉट नंबर 3 पीएसपी पॉकेट इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली। इस एड्रेस पे आपको भेजना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है मतलब 20 जून से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 19 जुलाई, मतलब 19 जुलाई से 30 दिन तक, लाइक अगर हम बोल सकते हैं कि 18 अगस्त तक आपको वो आपका पोस्ट वहां तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इन्होंने ढंग से मेंशन नहीं किया है। आज यहाँ पे नोटिफिकेशन आया इनका कि सिलेबस क्या है रिटर्न एग्जाम का, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है सिलेबस में कि एक तो एप्टीट्यूड है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग आएगा, दूसरा है डोमेन नॉलेज रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा जैसे अगर मैं बात करूं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, ठीक है, उसमें ईसी भी एलिजिबल है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है, आईटी भी एलिजिबल है और इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, और इन्होंने ब्रांच वाइज कुछ ऐसा नहीं दिया है कि इस ब्रांच के कितने लोग चाहिए, इसके कितने लोग चाहिए। मोस्ट प्रोबली जो मुझे लगता है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, जो सिलेबस होगा वो मिक्स होगा, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि एप्टीट्यूड तो चलो कॉमन ही है सब में, जो टेक्निकल है वो हो सकता है सबका मिक्स हो जाए, ठीक है, इंडिविजुअल मुश्किल है, बिकॉज जैसे साइंटिस्ट बी का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने प्रॉपर बताया था कि इस ब्रांच कितनी सीट्स हैं, इसकी इतनी सीट्स है, तब वहां पे पेपर अलग अलग हुआ था कि ईसी वालों के लिए ईसी का सिलेबस आया था, इलेक्ट्रिकल जो था नहीं, कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था, बट इसमें मिक्स है, तो मोस्टली चांसेस है कि मिक्स हो, और फिर भी भर देना चाहिए बिकॉज एटलीस्ट एप्टीट्यूड पे आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा कि ये ज्यादा सही करो, ठीक है, डोमेन नॉलेज में ऐसी चीज है कि जो ईसी में है उसको नहीं आता कंप्यूटर साइंस और आईटी का, ठीक है, और एटलीस्ट अपना अपना जो है ईसी का ढंग से पढ़ो कि उसके क्वेश्चन सही हो जाए, अगर सीएससी वाला रहेगा उसको अपना आता होगा, ईसी या इलेक्ट्रिकल का नहीं आता होगा, ठीक है, तो सबके लिए सिचुएशन आई थिंक सेम ही है। और पढ़ना क्या चीज क्या सकते हो, अब जैसे ये सिलेबस जो था, ये सिलेबस है इसका साइंटिस्ट बी का, ठीक है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक सिलेबस नहीं बताया है, तो उसमें जो कंप्यूटर साइंस का था तो उसमें था जैसे मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस वालों के सिलेबस है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जैसे मैथ तो कॉमन ही है, ईडीसी हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये भी कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, ईएमएफटी हो गया, नेटवर्क। अब देखो मोस्टली सिलेबस गेट का है, बस माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर ये एडिशनल है, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज ये हर एग्जाम में काम आएगा, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होगा, गेट में है बट इसमें थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा है, ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ सकते हो क्योंकि स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया हुआ, डोमेन नॉलेज का बोला हुआ है, तो बस ये चीजें इन्होंने साइंटिस्ट बी में डाली थी, तो यही सिलेबस मान सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, इसके नोट्स आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक ट्री रजत गेट, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इसके, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है नीलिट के, आप गूगल पर सर्च करोगे सिंपली नीलिट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, ये हर उसके पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट भी। अब अगर देखा जाए साइंटिफिक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसका एग्जाम हुआ था 2016 में, ठीक है, इसका पेपर भी अगर आप देखोगे तो मिक्स आया हुआ है, ठीक है, तो अभी तक फिलहाल जब तक इतनी ही इंफॉर्मेशन है तो ये मान के चलो कि मिक्स आएगा, और अपना डोमेन का ढंग से पढ़ो, ठीक है। और उसके अलावा मैंने वीडियोस बना रखी है, पूरी प्ले लिस्ट है नीलेट की, जैसे एप्टीट्यूड के काफी क्वेश्चन है, ठीक है, और टेक्निकल भी जो
दिसंबर में साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए का एग्जाम हुआ था, उसके टेक्निकल के भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे नेटवर्क थ्योरी का हो गया, ये कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल सर्किट, सिग्नल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ये सब चीजें वीडियो में बना रखे मैंने, ये भी आप चेक कर सकते हो, इसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यही है बस कि सिलेबस अपने को मेंशन नहीं है अच्छे तरीके से, जिस हिसाब से इन्होंने साइंटिस्ट बी के लिए मेंशन किया था, ठीक है। आई होप अगर कुछ टाइम बाद अगर ढंग से पूरा डिटेल में अपलोड कर दे ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो मिक्स मान के चलो मेरे हिसाब से, तो बाकी देखा जाएगा फिर, ठीक है। और एप्टीट्यूड पे ज्यादा जोर दो, क्योंकि इसमें ये तो कॉमन ही है, इसमें मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करो, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से डाउनलोड कर लेना, एप्टीट्यूड तो कर ही लेना एटलीस्ट हर पेपर का, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।